5 ways to fight crap mentality people. Hello friends, welcome back to Biz TV. मैं आपका कोच शरद सिंह दोबारा एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ। दोस्तों, आपने क्रैप्स यानी केकड़ों को कई बार बकेट में बैठे देखा होगा। ज्यादातर केकड़े उसी बाल्टी में ही पड़े रहते हैं और अपनी मौत का इंतजार करते रहते हैं, और अगर कोई केकड़ा बकेट से बाहर आने की कोशिश करता है उसका भी मर्डर कर डालते हैं। दोस्तों, इन केकड़ों और इंसानों में ज्यादा फर्क नहीं होता। अगर कोई लीक से हटकर कुछ करना चाहता है तो उसके दोस्त या करीबी ही उसके हौसले पस्त करने में लग जाते हैं। दोस्तों, मैंने भी ऐसे लोगों का सामना किया है और आज भी कर रहा हूँ, और आप लोग भी शायद ऐसे ही लोगों का सामना कर रहे होंगे। तो अब मैं आपको बताता हूँ वो तरीके जिससे आप लोगों का सपोर्ट भी हासिल कर सकते हैं और क्रैप मेंटेलिटी वाले लोगों से भी बच सकते हैं। स्टार्ट चीयरिंग अदर्स। ऐसा करने से ना सिर्फ आप दूसरों का हौसला बढ़ाएंगे बल्कि दूसरे भी आपको सपोर्ट जरूर करेंगे, और ऐसा करने से धीरे धीरे ही सही क्रैप मेंटेलिटी के खात्मे की शुरुआत हो जाएगी। एम हायर। दोस्तों, जिंदगी में आपके टारगेट जितने बड़े होंगे उतना ही छोटे टारगेट वाले लोग आपसे दूर रहेंगे। उन्हें पता होगा कि वो आपके लीग में है ही नहीं, और आपका कॉन्फिडेंस कम करने के बारे में वो सोच भी नहीं सकेंगे। कीप डूइंग व्हाट यू आर डूइंग। आपने ये कहावत तो सुनी ही होगी कि कुत्ते भौंकते रहते हैं और हाथी अपनी चाल चलता रहता है। दोस्तों, अगर आप ऐसा एटीट्यूड रखते हैं तो आप शायद ही फेल हों। आपको तो बस अपना काम करना है और दूसरे की नहीं सुननी है। एक्सेप्ट फेलियर एज पार्ट ऑफ प्रोसेस। दोस्तों, आपको अपने टारगेट को हासिल करने में अगर फेलियर बार बार मिलता है तो घबराइए नहीं, क्योंकि फेलियर ही आपको सक्सेस का रास्ता दिखाता है। बी ए लीडर। दोस्तों, अगर आप एक लीडर हैं तो छोटी माइंडसेट वाले लोग आपके आसपास भी नहीं फटकेंगे। एक लीडर ना सिर्फ बड़े टारगेट रखता है बल्कि दूसरों को भी राह दिखाता है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये हमारी एडवाइस जरूर पसंद आई होगी, और आगे भी बिजनेस एडवाइस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।